सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अतर शर्मा, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड होप यू गाइस आर हैविंग अ नाइस डे सो फार। तो भाई आज हम फिर से अपने वही बहुत तगड़े जिम में आ चुके हैं। तो भाई आज करेंगे हम एक बेंच सेशन, और यहाँ पे कौन है, दीपांशु भैया है हमारे साथ। जो लोग इनको नहीं जानते हैं, तो मेरे को वंश ने इंट्रोड्यूस किया था आर्म रेसलिंग से, और वंश को भैया ने इंट्रोड्यूस किया था। ये रैंडमली किसी दिन ऐसे पंजांजल लड़ा रहा था, तो भैया ने पूछा इससे कि यार तुम पंजांजल लड़ाते हो क्या। तो भैया ने सारे सेम नेबर उड़ गए, सारे पगड़े बंदे हैं बिल्कुल पायोनियर स्टेट से, यू नो ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, और ये बहुत ही बेहतरीन बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है आर्म रेसलिंग में भी और पावर बिल्डिंग में भी। थैंक यू इंस्पिरेशन। तो पहले ना क्या होता था कि मैं वंश के साथ भी पंजा लड़ाता था, तो वंश हमेशा हार जाता था हर किसी से, क्योंकि बहुत वीक था पहले, बहुत पतला था। तो भैया ने ना इसको एक गोल्डन बात बोली कि अब तो तू हारता है बट आज के बाद नहीं हारेगा, और तब से वंश काफ़ी स्ट्रांग हो गया था क्योंकि भैया ने उसको काफ़ी ज्ञान वन दिया। भैया एक्चुअली अभी रशिया में पढ़ाई कर रहे हैं MBBS, और अभी दिल्ली आए हुए हैं उससे मतलब सबसे फैमिली से मिलने, और अभी हमारे साथ जिम करेंगे, आज सेशन करेंगे बेंच। पर आपको फिजिक्स से लग ही रहा होगा कितने तगड़े पावर लिफ्टर है भैया। कितना डोला है भैया? 17 भाई, हमारा कहाँ भाई 15.5 और पम्प्ड में 16, और आपको कितना है भाई डोला? मेरा तो 14 भाई। चलो फिर भाई बेंच स्टार्ट करें भैया। यस लेट्स डू इट ब्रो। चलो आ जाओ। हम एक एक रेप लेंगे। ओके भाई भैया ने नहीं बताया कैमरे वाले को। तो भाई लेग अपनी लेग ड्राइव यूज़ करने के लिए आप अपने कोर्स टाइट कर लिया करो, मतलब भाई इस सिंपल वे में ऐसे समझा सकता हूँ। और जब आप बार पे वेट मार रहे हो तो ये सोचो कि आप बार बेंड कर रहे हो, बार को जब आप बेंड करोगे तो आपके लैट्स जो है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको पुश मिलेगा। एग्जैक्टली बस ये करना करो, ठीक है, दिमाग में रखें। मिठी आया
दो तीन चार पाँच छः सात आठ दो और है अभी नौ, एक आखिरी और रहेगा, आखिरी आ गया। चल चल तो ही जाएगा ना ये स्लो चले आ मगी में यू आ रहा है चला